चीन और ताइवान के बीच क्यों बन रहे हैं जंग के हालात? क्या ताइवान चीन से दो दो हाथ करने के लिए एटमी हथियार बनाने में जुटा है? समंदर में जापान और जर्मनी क्यों आ रहे हैं साथ? और अमेरिका फाइटर जेट उड़ाने वाले रोबोट क्यों बना रहा है? इन खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। दक्षिण चीन सागर में ताइवान के साथ टेंशन के बीच चीन ने अपना दूसरा युद्धपोत समंदर में भेजा है। चीन ने जो नया वॉरशिप भेजा है वो उसने पिछले महीने ही लॉन्च किया था। ऐसा कहा जा रहा है कि इस नए युद्धपोत पर 28 हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं। इसके साथ 30,000 टन सामान भी इस पर रखा जा सकता है। चीन की कब्जे वाली साजिश का जवाब देने के लिए ताइवान अमेरिका की मदद से एटमी पावर बनने को तैयार है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ताइवान परमाणु बम बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दक्षिण चीन सागर में ताइवान ने चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए अपने 6 युद्धपोत से लेकर कई मिसाइलें तैनात कर दी हैं। विस्तारवादी चीन की समंदर में घेराबंदी तेज हो रही है। यही वजह है कि साउथ चाइना सी में भारत और वियतनाम की शनिवार से जबरदस्त ड्रिल चल रही है। इंडियन नेवी के अनुभव से वियतनाम की सेना खास गुर सीख रही है, तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए बेताब है। विस्तारवादी चीन की ग्लोबल घेराबंदी जारी है। जापान ने जर्मनी के युद्धपोत को युद्धाभ्यास के लिए बुलाया है। पूर्वी एशिया में समान विचारधारा वाले देशों का मोर्चा मजबूत करने के लिए जापान ने जर्मनी को साथ आने के लिए इन्विटेशन भेजा है। तुर्की के रक्षा मंत्री हुलसी अकार शनिवार को त्रिपोली पहुंचे और लीबिया की संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार के सहयोगियों के साथ मुलाकात की। इस यात्रा से पहले ही तुर्की ने लीबिया में अपनी सेनाओं की तैनाती अगले 18 महीनों के लिए बढ़ा दी है। लीबिया की अस्थिरता से तुर्की को खतरा है, इसलिए तुर्की लीबिया में शांति चाहता है। लीबियन अरब आर्म्ड फोर्स के कमांडर खलीफा हिफ्तर ने तुर्की को युद्ध की धमकी दी है। हिफ्तर ने कहा कि अगर ट्राइपोली में तुर्की की सेना डटी रही तो इसका अंजाम तुर्की को भुगतना होगा। ट्राइपोली के एक हिस्से में हिफ्तर की फौज का कब्जा है। सीरिया में तुर्की की सेना ने कुर्दिस के 5 विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये आतंकी ऑपरेशन पीस स्प्रिंग एरिया में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले सीरिया नेशनल आर्मी और पीकेके आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। रूस ने अपने शक्तिशाली TU-95 MS बॉम्बर और ड्रोन के साथ वॉर ड्रिल किया। खबरों के मुताबिक TU-95 MS के कॉकपिट से ही सुखोई S-70 ओखोंटिक ड्रोन को कंट्रोल किया गया। TU-95 में हाल ही में ड्रोन गाइडेंस इक्विपमेंट फिट किया गया है। अमेरिका में स्टार वॉर्स की तर्ज पर युद्ध में रोबोट्स का इस्तेमाल करने की तैयारी चल रही है। भविष्य में US एयरफोर्स के 6th जनरेशन फाइटर जेट में पायलट की मदद के लिए AI रोबोट होंगे। R2-D2 रोबोट अगली पीढ़ी के स्टेल्थ विमानों में इनबिल्ट होंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।